सन एक्रिलम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सन 1986 से यानी करीब 35 से ज़्यादा सालों से एक्रिलिक शीट और उसके रिलेटेड कई सारी प्रोडक्ट्स में काम कर रही है। अभी हमारे पास कई लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर डिज़ाइनर ग्रिल के पीछे या तो मिल्की या डिफ्यूज़र शीट को किस तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए उसके लिए कुछ वीडियो बनाइए आप। इस काम वगैरह के लिए आपने हमारा YouTube का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारे वीडियो को या हमारी प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए आप ज़रूर हमें कमेंट करिए, ऐसा हम चाहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर आपको पसंद आए तो। आइए आज हम लोग आपको दिखाते हैं कि डिफ्यूज़र शीट, प्रिज्मेटिक डिफ्यूज़र शीट, मिल्की शीट वगैरह में क्या डिफरेंस होता है और कौन सी आपके लिए अच्छी होगी वो हम लोग बताने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहला ये हो गया क्लियर शीट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, 100% ट्रांसपेरेंट वाला। दूसरा होता है ये मिल्की शीट, जिसमें आपको बिल्कुल लाइट बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद आता है 40 नंबर वाला मिल्की, जिसको शायद लोग, कई लोग 040 भी बोलते हैं। इसमें से 40% लाइट बाहर आती है। उसके बाद आता है ये डिफ्यूजर शीट और आखिर में आएगा आपका प्रिज्मेटिक डिफ्यूजर शीट। आइए अब इसको लाइट के सामने देखते हैं हम लोग कैसा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि डिजाइनर शीट के पीछे यानी जो अपना वुडन ग्रिल है या इसका, तो उसमें पीछे से इस तरह से लाइट आनी चाहिए कि पूरा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो सबसे पहला नंबर आता है ट्रांसपेरेंट शीट, 100% ट्रांसपेरेंट शीट जो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें पीछे का लाइट सोर्स दिखता है वो समझ के आपको इसको खरीदना चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है मिल्की शीट, जिसमें से बिल्कुल ही लाइट बाहर नहीं आता है, एकदम ना के बराबर ये लाइट आप देख रहे हैं बाहर आ रहा है, ये हो गया मिल्की शीट। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है 040 या मिल्की शीट, इसमें करीब 40% जितना लाइट बाहर आता है और इसमें लाइट का सोर्स दिखाई नहीं देता है। आप ये जो देख रहे हैं पीछे लाइट का सोर्स हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद नंबर आता है, ये भी डिजाइनर ग्रिल के पीछे बहुत आराम से चलता है। इसके बाद नंबर आता है जिसको बोला जाता है डिफ्यूजर शीट। ये डिफ्यूजर शीट का मकसद ये होता है क्योंकि इसमें करीब 70-80% लाइट बाहर आती है और यही शीट एलईडी लाइट के पीछे या जिसको अच्छी लाइटिंग चाहिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको करीब तीन, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक हाथ के जितना, मतलब इतना डिस्टेंस में लगाए तो लाइट का सोर्स नहीं दिखता, पर इससे भी अगर आप नजदीक जाते हैं तो हल्का हल्का लाइट का सोर्स दिखाई देता है, पर ये करीब नीचे का डिस्टेंस 1 इंची या 1.5 इंची जितना है। यही डिस्टेंस अगर कम होता है, ज्यादा करने जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमें बिल्कुल ही लाइट का सोर्स पता नहीं चल रहा है। अब इसके बाद का नंबर आता है प्रिज्मेटिक डिफ्यूजर शीट, जिसमें आपको लाइट का सोर्स पता चल रहा है, पर लाइट अगर आप इस तरह से क्रॉस में लेंगे तो साइड से जब आप लगाते हैं तो इसमें लाइट का सोर्स पता नहीं चलता और 100% लाइट आपका बाहर आता है, पर इसको ऊपर कितना भी लिया जाए तो हल्का हल्का लाइट का सोर्स दिखाई देता है। ये देखिए हाथ से भी ऊपर है, ये हाथ की डिस्टेंस पे हम ले गए तो लाइट का सोर्स आपको दिखाई देता है। सीधा करो या उल्टा करो दोनों तरफ में लाइट का सोर्स दिखता है, पर इसी को अगर हल्का सा क्रॉस लगा दिया यानी कि लाइट पीछे की साइड से लगाया तो बिल्कुल लाइट का सोर्स नहीं दिखता और एकदम बढ़िया लाइट बाहर आती है। अब हम लोग वापस से यही चैनल करते हैं, ये प्रिज्मेटिक डिफ्यूजर, ये सादा वाला डिफ्यूजर, डिफ्यूजर शीट और प्रिज्मेटिक डिफ्यूजर शीट, ये दोनों को हम लोग नजदीक ले जाते हैं, एकदम नजदीक वाला सोर्स हो गया। अब इन दोनों की कंपैरिजन में हम लोग बात करते हैं मिल्की शीट का, 40 नंबर वाला जिसको मिल्की शीट बोला जाता है,
अब देखिए दोनों में लाइट का फर्क, इसमें 80% 70% के करीब डिफ्यूजर में लाइट बाहर आता है, जबकि इसमें करीब 40% आता है, और ये तो 100% है ही है प्रिज्मेटिक में। एलईडी डिफ्यूजर शीट में ज्यादातर कर एलईडी में 2 फुट बाय 2 फुट के पीसीस में या फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो शीटें आती है लाइट के लिए उसमें ये वाली शीटें लगाई जाती है। हम लोग इसमें पूरा शीट चाहिए तो पूरा शीट, कटिंग पीस में चाहिए तो कटिंग पीस में, और कोई पर्टिकुलर शेप में लेजर कट करके चाहिए तो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें डिफ्यूजर शीट लगाना है, उसका मिल्की टोन हमें अच्छा पसंद आता है, पर उसका ये जो थिकनेस है वो केवल 1.3 या 1.5 mm ही आता है, तो उसका अच्छा लाइटिंग बाहर निकालने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपका साइज बड़ा है तो ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है इसमें बहुत सारी थिकनेस अवेलेबल होती है, तो इसको इस तरह से पीछे रख के आप जहां पे भी चाहिए या बड़ा पीस लगाना है तो इस तरह से डिफ्यूजर शीट लगा सकते हैं, ताकि डिफ्यूजर शीट का लाइटिंग भी आपको मिल जाए और अगर बड़ा पीस है तो इसमें ऐसा झोल होने का चांस नहीं होवे। तो पीछे ऐसा बड़ा ट्रांसपेरेंट शीट जो भी थिकनेस का चाहिए, इसमें जो थिकनेस चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल रहता है, और आगे ये वाला डिफ्यूजर शीट लगा के आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि हमें लाइटिंग पीछे ज्यादा नहीं है तो उसको ज्यादा करने के लिए इस तरह का प्रिज्मेटिक डिफ्यूजर शीट लगाना चाहिए, जिसकी वजह से लाइट मल्टीप्लाई होके उसका बाहर आता है। तो प्रिज्मेटिक शीट लगा दिया और पीछे लाइटिंग का सोर्स नहीं दिखाना है तो उसके आगे हमने वापस डिफ्यूजर शीट लगा दिया, तो लाइटिंग भी बढ़िया हो गई, यानी लाइटिंग का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और उसके बाद डिफ्यूजर शीट लगने की वजह से पीछे लाइटिंग का सोर्स हमें दिखाई नहीं देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।